चेयरमैन साहब गए पक्को सजाद साहब जो ये आज आपने तिरंगा रैली निकाली म्युनिसिपैलिटी एम्प्लॉइज के, क्या बताएंगे कौन कौन लोग इसमें शामिल है? यहाँ पे सारे काउंसलर आजाद हैं, मेरा ईओ है, बाकी जितना भी स्टाफ है आज हमने मिल चुके। ये रैली जो है जो फख्र की बात है, हमारा जो 15 अगस्त मनाना, हम खुश नसीब हैं हम इस 15 अगस्त में शामिल हुए और हमारी पूरी टीम शाना बशाना काम कर रहे हैं 15 अगस्त में शमूलियत करने के लिए। तो फिरदौस साहब आप एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, तो क्या बोलेंगे आज के लिए? चूँकि पूरे देश के अंदर 75वीं सालगिरह यौम आज़ादी की मनाई जा रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर कच्छ के बॉर्डर तक, पूरा देश आज तिरंगे के रंग में जुड़ा है। ये तिरंगा जब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो एक न कोई हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न किसी जाति का रहता है, न किसी धर्म की शिनाख्त होती है। इस देश के झंडे के नीचे हर एक देशवासी हिंदुस्तानी बनता है, भारतीय बनता है। आज म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष की सरबराही के अंदर म्युनिसिपल कमेटी के सभी काउंसिलर, म्युनिसिपल कमेटी की पूरी एग्जीक्यूटिव टीम, पूरे स्वीपर्स, हम इस आज़ादी की 75वीं सालगिरह जो आज से ठीक 2 दिन के बाद 15 अगस्त के दिन मनाई जा रही है, आज पूरे किश्तवाड़ के साथ साथ हम पूरे देश को यौम आज़ादी की बधाई देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं ये 15 अगस्त 75वें साल का इस देश के अंदर अमन, भाईचारे, अमन की फिजा को लेकर आ जाए। हमारे साथ गुलाम अली साहब भी है, काउंसलर है, क्या बताएंगे आप इस मौके पर? सर, आप लोगों को पता है कि आज 75वीं सालगिरह जो है 15 तारीख को मनाई जाती है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐलान कर दिया है कि हर घर में तिरंगा लगेगा, उसी के लिए आज की रैली जो है निकाल रहे हैं। शब्बीर साहब वाइस प्रेसिडेंट, शब्बीर साहब क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देंगे वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी? मेरा किश्तवाड़ के आवाम से सिर्फ इतना सारा मैसेज रहेगा कि आज तक जैसे इन्होंने अपना भाईचारा कायम दायम रखा है और आगे भी वैसा ही रखे। थैंक यू। कोई एम्प्लॉइज में बोलना चाहेगा, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉइज जो है वो अगर वो गंदगी नहीं उठाएंगे, बाकी नहीं, इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम चाहेंगे कि वो सॉल्व हो जाए। चलो कोई नहीं, ये जो है हमेशा मुसीबत में रहकर जो है वो करते हैं, यहाँ पर हमेशा आगे आगे रहते हैं, चाहे ग्राउंड को बनाना हो। बाकी कोई मैसेज देंगे आप 15 अगस्त पर? हिंदुस्तान भाईचारा कायम रखो, कायम रखो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, MC
ऐसी जीने जा रहे हैं, हम इसको मनाने जा रहे हैं। जहां हम इस तिरंगे के नीचे हम उन सबूत हिंदुस्तानियों को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं, उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने 200 साल की गुलामी से लोहा लेते हुए अपने जानों का नजराना पेश किया, अपनी जिंदगियां जेल की काल कठोरियों में गुजार दी, लेकिन अपने उसूलों से अपने नजरिए से पीछे नहीं हटे और बिलाखिर 15 अगस्त 1947 के रोज अंग्रेज को हिंदुस्तानी के सामने झुकना पड़ा, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के साल के साए तले ये देश 200 साल की गुलामी से आजाद हो गया। यार नेशनल एंथम गाओ ना, जिसे ना मोबाइल वाला नहीं जबानी गाते, मोबाइल वाला नहीं हम चलो मैं भी साथ में गाऊंगा ना, गाओ चलो चलो। जन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा दावड़ उठ कल गंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल चल तिरंगा, कौशभला में जागे कौशभ आशीष मांगे गाए तब जे गाथा, जन गण मंडल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय।